बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट ज़ैनी इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज भी इसे एक मज़ेदार और प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज घर में हमने करवानी थी कुरान खानी, छोटी सी महफिल करवानी थी, खाना वगैरह बनाना था। सोचा थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी, लेकिन आज की वीडियो में खाना मैं नहीं बनाऊँगी। कौन बनाएगा आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पूरी पूरी हेल्प करूंगी मैं, सारी चीज़ें वगैरह मैं खुद रेडी करके दूंगी, लेकिन बनाएगा कोई और। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है एंड तक, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत मज़े की होने वाली है। अभी रिसेंटली ना मुझे किसी ने कमेंट करा था कि आप ना रेसिपी आपने खुद नहीं बनाई, आपकी सिस्टर वगैरह बनाती है, तो इससे बेहतर है कि आप चैनल को बंद कर दें। इसी तरह का किसी ने कमेंट करा था। तो भाई मैंने आज तक जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं अपने चैनल पे मैंने खुद बनाई हैं, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता, सारी रेसिपीज़ मैं खुद बनाती हूँ। एक मेरी रेसिपी थी साग वाली, उसमें अम्मी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी, वो भी पालक काट के दी थी और जब उसे कोटना कूटना जो भी करना होता तब थोड़ी सी हेल्प की थी। तो और सारी खुद मैं बनाती हूँ। आज किसी और ने बनाना है खाना तो आज मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सारी हेल्प मैं खुद करूँगी। आधी चीज़ें मैंने पास रख ली हैं, बाजी भी आ गए हैं जिन्होंने आज खाना बनाना है, कज़न लगते हैं मेरे, ये बनाएंगे आज खाना। खाने में क्या बनाना है ये आपको बताती हूँ। तो जिस जिस चीज़ की और साथ ज़रूरत पड़ती जाएगी वो मैं साथ साथ इन्हें देती जाऊँगी। बाजी प्याज वगैरह काटने लगे हैं, जब तक ये थोड़ा सा ये सामान रेडी करते हैं मैं क्या करती हूँ, ये हैं हमारे पास सफ़ेद चने, रात के हमने भिगो के रख दिए थे। सफ़ेद चनों वाले चावल पकेंगे आज, इनको मैं उबाल लेती हूँ, प्रेशर में डालती हूँ जब तक बाजी अपना थोड़ा सा दूसरा काम कर रहे हैं। चने डाल लेते हैं प्रेशर में और इनको रख देते हैं हम उबलने के लिए। जी चने हमने रख दिए हुए हैं एक चूल्हे पे उबलने के लिए, दूसरे चूल्हे पे दहेज का चढ़ाएंगे चावलों के लिए। भाजी प्याज वगैरह काट रहे हैं, छील के पहले रख लिए थे, धो लिए थे, अब ये दहेज के में ही काट रहे हैं जिसमें हमने रेडी करने हैं। दोनों चूल्हों में आग जल चुकी है, एक में मैंने जलाई थी, एक में बाजी ने। दहेज के में घी डाल रहे हैं, ये बाजी ही डाल रहे हैं, मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। प्याज में घी डाल के ये चढ़ा रहे हैं चूल्हे पे। बाहर हम खाना वगैरह बना रहे हैं तो इधर बैठ के सारी लड़कियां कुरान खानी करेंगी, अभी कोई भी नहीं आया। एक बच्ची आई वो पढ़ रही है, जब तक बच्चियां आती हैं हम थोड़ा सा बाहर का काम कर लेते हैं। और इधर प्याज वगैरह काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो गया, पानी डाल के कलर निकालने लगे हैं बाजी। आप लोग भी शायद इस तरीके से कलर निकालते हो, मुझे वैसे ब्राउन कलर, ज़्यादा ब्राउन कलर के चावल नहीं पसंद, इस तरह से जो ज़्यादा प्याज ब्राउन कर लेते हैं ये मुझे नहीं पसंद, मुझे हल्दी वाले कलर के पसंद है। मैं हल्दी डाल के ना फिर कलर निकालती हूँ। तो कलर निकाल लिया है, अब बाजी क्या करने लगे हैं, इसमें डालने लगे हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्ची डालने लगे हैं इसमें, ये डाल के मिक्स करके साथ ही बाजी इसमें डाल लेंगे जो भी मसाला जात नमक मिर्च वगैरह ऐड करनी है, साथ ही ये ऐड कर लेंगे। इस मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद बाजी अब इसमें डाल रहे हैं चने, चने हमारे उबल गए थे अच्छी तरह, पानी एक्स्ट्रा इनका हमने निकाल लिया था, चने डाल के मिक्स करने लगे हैं। चने हमारे उबले हुए हैं इसलिए ज़्यादा इनको हमने नहीं भूनना, 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको भून लेना है। चनों को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद बाजी डाल रहे हैं अब इसमें पानी, पानी ये नाप के नहीं डाल रहे, पानी अंदाजन डाल रहे हैं। चावल बता दिया है इन्हें के कितने हैं, तो एक्सपीरियंस है शायद इन्हें, तो एंड पे पता चलेगा कि इनका एक्सपीरियंस कौन सा रंग लाता है। पानी डाल के रख देते हैं इसे उबलने के लिए। जब तक हमारा पानी उबलता है ये है चावल जो हमने पकाने हैं, मैंने सोचा जब तक पानी उबलता है मैं चावल धो देती हूँ उन्हें, तो चावल धो लेते हैं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी हमारा उबलने लग गया है, बाजी इसमें डालेंगे अब चावल, आधा आधा काम हम कर रहे हैं, एक काम मैं एक बाजी धोए मैंने, आप बाजी डाल रहे हैं तो फिर जब पकते हैं तो दिखाते हैं आपको। बर्तन वगैरह मैंने रेडी करके पास रख लिए हैं,
इन चीज़ों को मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ और जो चीज़ें हमने रेडी करनी है वो भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये लेके जाते हैं अंदर अंदर, कुरान खानी एंड तक पहुँच चुकी है। ये हैं जी हमारे चावल। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इनका एक्सपीरियंस रंग लाया है कि नहीं, किस तरह का लाया है। तो ये भी बाजी डाल लेते हैं बर्तनों में। चावल डाली हैं बर्तनों में, ये रायता हमने बना लिया है साथ, तो सारी चीज़ें तकरीबन रेडी हो गई हैं। तो फिर दिखाती हूँ और ये लेके जाते हैं अंदर। ये सारी चीज़ें कर ली हैं, आधी भेजती हैं अंदर, तो ये भी भेज देते हैं अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुरान खानी हमारी कंप्लीट हो गई है, खाना वगैरह खाया जा चुका है, सब अपने अपने घर को चले गए हैं, बच्चे थे साथ तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। एहतियातन हमने ऊपर ये चादर भी चाली थी, नीचे कारपेट तो है था, चावल वगैरह बच्चे गिराते हैं तो साथ चिपक जाते हैं, फिर उतरते नहीं हैं। बच्चे थे साथ तो ये पानी वगैरह भी गिरा दिया है उन्होंने, तो ये हम साफ़ कर लेते हैं। बर्तन वगैरह हम उठाते हैं, तो चलिए मिलके उठा लेते हैं। बर्तन उठाने के लिए मैं ले आई हूँ ये एक बड़ा बर्तन, इसमें सारे बर्तन रख के हम लेते जाएंगे। तो जी दोस्तों, यही थी आज की हमारी प्यारी सी छोटी सी वीडियो, प्यारी सी महफिल। अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी सी महफिल को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। इसके साथ के अल्लाह पाक आप सबकी नेकी ख्वाहिशात को पूरा करे, आप सबको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आप सबके पीछे हमें भी। शुक्रिया आपकी चाहत का, आपके इजहार का, आपके सपोर्ट का। दोस्तों अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखा करें, खुद खुश रहा करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो माजत रही ज़िंदगी, तो फिर से इंशाल्लाह एक मज़ेदार सी वीडियो लेके हाजिर हो जाएंगे। जैनी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने मिल के ये सारे बर्तन उठाने हैं, अकेले मैंने नहीं उठाने, आपने भी साथ ही उठाने हैं। तो चलिए सारा यहाँ से साफ़ कर लेते हैं। मेहरबानी दिल दियां गहराइयां नाल मेरी वीडियो वेखन वास्ते, पसंद करने वास्ते, मेरे चैनल नूं सब्सक्राइब करने वास्ते, ते टल्ली भी लाजमी उजाला करो मेरी हर नवी आने वाली वीडियो नूं हासिल करने वास्ते। रब राखा।